नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। भारतीय समता समाज पार्टी जिला कार्यकारिणी ने आज प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ कुमार की अगुवाई में मैनपुरी आगजनी हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय समता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय सौरभ कुमार प्रजापति जी ने पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए की मांग, परिवार में एक नौकरी व उच्च स्तरीय इलाज की व्यवस्था के लिए गुहार लगाई। भारतीय समता समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अंबिका प्रजापति के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रत्येक दिन पार्टी के कार्यकर्ता जिले पर पहुंचकर जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर न्याय की मांग कर रहे हैं। भारतीय समता समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव नेता मनीष प्रजापति ने ट्वीट कर कहा कि पुलिस प्रशासन यदि मुख्य आरोपी संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं करती तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आज गाजीपुर के पदाधिकारियों ने भी ज्ञापन का कार्यक्रम संपन्न किया। इस मौके पर पंकज प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष मनीष कौशल, शिव कुमार, शिव शरण, सुयन प्रजापति, राम नारायण, नरेश बबलू, संदीप गौड़, सुमित पाल, संजय चौरसिया, रामदर्श निषाद, अजीत भारती समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर समेत अन्य कई जिलों के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। आजमगढ़ सरायमीर से नीरज कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।